जी हाँ, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जो है नवाब सिंह, उनको अरेस्ट किया गया है। सपा नेता को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। दरअसल अखिलेश यादव का करीबी है ये नेता, जिसको नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया गया है। डिंपल यादव का करीबी है ये, क्योंकि उनके साथ कामकाज संभाल चुका है उनका ये, और अखिलेश यादव का भी करीबी है ये नेता, जिसको अरेस्ट किया गया। दरअसल आरोप ये है कि इस शख्स ने, इस सपा नेता ने नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की है, और इस कोशिश के आरोप में शिकायत के बाद अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की ओर से पड़ताल जारी है, पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। लेकिन देखिए, अयोध्या के बाद अब दूसरा ये मामला है जहां पे सपा नेता का नाम इस तरीके से निकल के सामने आ रहा है, जहां पे नवाली के साथ रेप की कोशिश को लेकर के यहाँ पे अरेस्टिंग हुई है। हालांकि दरअसल बड़ी बात ये कि वो नेता नवाब सिंह है जो डिंपल यादव के साथ भी उनका कामकाज संभाल चुका है, अखिलेश यादव का भी करीबी है। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर सपा में कुल कितने कुकर्मी ऐसे हैं जो रह रहे कि निकल के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं। अयोध्या का पाप दुनिया भूली नहीं है, लेकिन अयोध्या के बाद अब कन्नौज का ये मामला, जहां पे अखिलेश यादव का करीबी जो अरेस्ट हुआ है, नेता नवाब सिंह, जिसको रावाई से रेप की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया गया है। लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था, उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं, क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सके? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर, कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है, और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो, और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजय, आरोप लगे हैं एक बार फिर अयोध्या के बाद अब कन्नौज में, जहां से सांसद हैं अखिलेश यादव, और इसको लेकर भी जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जांच होनी चाहिए। क्या यहां भी डीएनए वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा?
क्योंकि इस मामले में अटेम्प्ट की बात की जा रही है, जो पुलिसिया कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, जो शिकायत की जा रही है, आपने जो बात की उसकी जरूरत जब पड़ेगी अगर ऐसा उन्होंने रिप्रिकॉशंस कर दिए हों उनके ऊपर, उस तरीके के लॉ के धाराएं उस तरीके की इंप्लीमेंट की जाए, पर यहां पर क्योंकि जो एसपी हैं उनका बयान है और इसके अलावा लड़की ने जो बयान दिया है उसमें अटेम्प्ट की बात की गई है, तो वो एक अलग कानूनी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहले अयोध्या में और अब इस बार कन्नौज में, जहां से खुद अखिलेश सांसद चुनकर आए जाते हैं, वहां पर इस तरीके की घटना का सामने आना और सपा का नेता जो सीधे तौर पर जो मेन परिवार है समाजवादी पार्टी को चलाने वाला, उससे जुड़ा हुआ परिवार है, उसके रिप्रेजेंटेशन का पार्ट रहा है, ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को लेकर उठ रहा है और अब इसमें तमाम कानूनी जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो एक बार फिर मामला जरूर सामने आया है, हालांकि अभी जांच होनी बाकी है और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, चलिए रुक करते हैं रफ्तार 100 का, फटाफट अंदाज में खबरें दिखाते हैं। संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, कहा गुप्ता बंधुओं से मिले उद्धव ठाकरे, करीब आधे घंटे की मुलाकात। तीन दिनों की मीटिंग के दरमियान उन्होंने चुपके से साउथ अफ्रीका से जो फरार भ्रष्टाचारी गुप्ता बंधु हैं उनमें से एक गुप्ता से मिले। संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर आरोप, कहा साउथ अफ्रीका में बदनाम है गुप्ता बंधु, 2018 में इनका घोटाला आया था सामने, उद्धव ठाकरे को देना चाहिए जवाब कि अजय गुप्ता से आखिर क्या एक संबंध। 2018 में इसका इतना सारा घोटाला मर्कल से, अरबों रैंड जो वहां की करेंसी है, अरबों डॉलर का घोटाला निकल के आया, क्या गुप्ता बंधुओं से इनका कोई लेन देन है ये बताना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को लेकर नरेश महस्के का बड़ा खुलासा, कहा साउथ अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं से मिले थे उद्धव, बैठक में संजय राउत भी थे मौजूद, शरद पवार के इशारे पर काम कर रहे हैं राउत। कोलकाता डॉक्टर मर्डर और रेप कांड को लेकर ममता बनर्जी ने पुलिस को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, कहा रविवार तक नहीं सुलझा मामला तो सीबीआई को दे देंगे केस। कोलकाता मामले पर बीजेपी का बंगाल सरकार पर हमला, कहा ममता राज में ये क्या हो रहा है, दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई है। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। अब ममता जी आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए आप, अब कही हमें कोई आपत्ति नहीं है। चीनी डॉक्टर की हत्या के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को किया ने दिया इस्तीफा, कहा घटना के लिए अपने आप को भी ठहराया जिम्मेदार। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और 1 हाउसकीपिंग स्टाफ को तलब किया। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, ममता सरकार पे हमला बोला, कहा घटना को दबाने की कोशिश हो रही है। पहले प्रशासन इसको सुसाइड का रूप देने की कोशिश करता है, दबाने की और सच को छिपाने की कोशिश करता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर्स की हड़ताल, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर जताई नाराजगी, सख्त कार्रवाई की मांग रखी। कोलकाता में आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी, डॉक्टर्स की संख्या पहुंची वहां पर हड़ताल करने के लिए। दिल्ली के एम्स में भी हड़ताल, महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर डॉक्टर्स में रोष, उचित कार्रवाई की मांग रखी। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स में आक्रोश, दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स, ओपीडी सेवाएं बंद, सीबीआई जांच की कर रहे मांग। कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ हुई बर्बरता, डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है, मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी है। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मौत के मामले में डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के बे इलाके में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन, हॉस्टल में हिंदू संगठन के लोगों ने रैली निकाल के जताया विरोध मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा में नाकाम रहने पर गृह मामलों के सलाहकार शेखावत हुसैन ने मांगी माफी, कहा हमें एक समाज के तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
हिंदुओं के डेलीगेशन से मिलेंगे बांग्लादेश अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस, सूत्रों से खबर, ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू। बांग्लादेश में हिंसा जारी है, कई गांव में हिंदू के घरों में लगाई गई आग, आगजनी की चपेट में आए मवेशी।